आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी मैंने मौसम दिखाया था आपको, बहुत अच्छा मौसम हो गया। सुबह से तो बहुत गर्मी हो रही थी और अचानक से हवाई हवाई तो सारे घर में हो गए थे पत्ते पत्ते। मैं झाड़ू लगाने की सोच रही थी कि झाड़ू लगाऊंगी जब हवा बंद हो जाएगी, लेकिन हवा बंद होते ही तुरंत आ गई थी बारिश, तो झाड़ू लगाने का तो मुझे टाइम ही नहीं मिला। अभी पूरे घर में बहुत सारे पत्ते हो रहे हैं। जब बारिश रुक जाएगी उसके बाद तो बहुत सारा सफाई का काम हो जाएगा, सारे में चिपक गए हैं बारिश पड़ने के बाद। तो अभी वीडियो में ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे रात में वीडियो बना रही हूँ, अंधेरा सा हो रहा है। लेकिन अभी तो दिन है, अभी 4 ही बजे हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, लेकिन बारिश की वजह से हो गया है ऐसा मौसम। बहुत ही अच्छा वाला हो रहा है, ठंड हो गई है अच्छे से, तो बहुत अच्छा हो रहा है मौसम। और जैसा कि मैंने उस दिन एक वीडियो बनाया था जिसमें मैं कुछ खा रही थी, और मैंने आप लोगों से पूछा था कि आप लोग बताना कि मैं इसमें क्या खा रही हूँ, तो कि मैं जो भी सही बताएगा मैं बताऊंगी अगली वीडियो में कि किस किसने मुझे सही कमेंट किया है। तो उसमें बहुत सारे कमेंट आए कि आप ये खा रही हो ये खा रही हो, बहुत सारे कमेंट आए, और जिसे पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो चलिए मैं आज वही कमेंट आपको पढ़ के बताती हूँ कि किसने सही कमेंट किया है और कितने सारे गलत कमेंट आए हैं। सही तो 2-3 ही आए हैं, सब कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि किस किसने मुझे कमेंट किए हैं सही और किसके हैं गलत। तो सबसे पहले बी ब्लॉक निशु जी का आया था, उनका भी कमेंट इसमें मुझे गलत ही आया था। उन्होंने कुछ ऐसी मिठाई बताई थी कि अभी मैं आपको बताती हूँ, और वो बोल भी रही थी कि आपको, दूसरा कमेंट किया था कि आपको खाते देखकर मुंह में पानी आ गया। तो उन्होंने मुझे उसने उन्होंने पट्टी वाली कोई मिठाई बताई थी, इसका तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये गलत है। कोई मैं मिठाई नहीं खा रही थी इसमें। तो मिसु जी ने भी गलत ही कमेंट किया था, और आगरा ब्लॉगर ज्योति राठौर जी ने कहा था मुझे तो मिश्री लग रही है साबुत वाली और पता नहीं, तो ये मिश्री नहीं है। तो ज्योति जी का भी कमेंट गलत ही है, और आरबी चैनल से आया था, यह तो शायद शक्कर की कोई मिठाई है, ज़्यादा मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो मिठाई तो कुछ नहीं है, लेकिन है शक्कर का ही, लेकिन मिठाई नहीं है। और ब्लॉगर साक्षी विद एपी साबुन दाने का पापड़ बताया था शायद उन्होंने, तो साबुन दाने का पापड़ भी नहीं है। और जी पंजाब दा पिंड जसविंदर जी का, मुल्तानी मिट्टी खा रही है डियर, तो ये मुल्तानी मिट्टी भी नहीं है डियर। और एक कमेंट आया था एनबी इंडियन फैशन जोम का, जो बिल्कुल सही है। उन्होंने कहा कि आप शुगर, उन्होंने खाली शुगर लिखा है, तो हाँ सच में ये शुगर ही थी। उनका भी कमेंट सही है, लेकिन दो जो और कमेंट है वो बिल्कुल सही है, वो बताऊंगी मैं आपको। और पिंकी ब्लॉगिंग का आया था मिश्री तड़ियन, मिश्री भी नहीं खा रही, तो आपने भी गलत ही किया कमेंट किया था। तो एक कमेंट आया था सही, वो है उत्तराखंड ब्लॉगर ऋतुराज जी का, लेकिन इससे पहले भी एक कमेंट आया था ऋतुराज जी का, तो बाद में आया है। उससे पहले सबसे पहला जो सही कमेंट आया था मेरी वीडियो पर वो आया था किरण का, तो किरण ने बिल्कुल सही कहा था कि आप चिपकी हुई चीनी खा रही हो। सबसे पहला कमेंट किरण का ही था, जो किरण ने बिल्कुल सही कमेंट किया था। उसके बाद उत्तराखंड ब्लॉगर ऋतुराज जी का जो कमेंट है वो आया था, तो उनका कमेंट भी बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कहा था शायद चीनी है जो गीली होके चिपक जाती है, आप ही बता दो। तो हाँ जी, ये वही है जो गीली होकर चीनी चिपक जाती है, वही खा रही थी मैं। हमारी चीनी थोड़ी सी गीली हो गई थी और उसमें मोटे मोटे लड्डू बन गए थे, तो वही मैं खा रही थी चिपकी हुई चीनी। तो एक तो उत्तराखंड ब्लॉगर ऋतुराज जी का, और सबसे पहले कमेंट जो सही आया था वो था किरण का। तो किरण अगर आप सुन रही हो, तो सबसे पहले आप ही ने बिल्कुल सही कमेंट किया था। और रूबी मेकअप एंड ब्लॉगिंग का, उन्होंने भी शुगर से बनी हुई कुछ कहा था, लेकिन हाँ शुगर थी लेकिन मिठाई नहीं थी कोई ये। और गीता पांचाल जी ने भी कहा था कि उनकी समझ में नहीं आ रहा था। बहुत सारे कमेंट आए, सबने मिश्री बताया, किसी ने शुगर की मिठाई बताई, भार्गव फैमिली से भी आया था दी ये शुगर वाली कोई मिठाई है, तो शुगर वाली मिठाई मिठाई कुछ नहीं थी, वही चिपकी हुई चीनी खा रही थी मैं।
और एक आया था कोल्ड आइसक्रीम, नहीं जी आइसक्रीम नहीं है, साबूदाने के पापड़। और हिमाचल ब्लॉगर दया ठाकुर जी ने मिश्री बोला था, तो डियर मिश्री भी नहीं है, वो मैंने आपको बता ही दिया कि क्या है ये। तो सबसे पहला जो मुझे कमेंट आया था मेरी वीडियो पर वो, और पूनम ने कहा था आप मिश्री खा रही हो या फिर साबूदाने के पापड़, तो पूनम ना तो ये मिश्री है ना साबूदाने के पापड़। और किरण ने बिल्कुल अच्छे से पहचान लिया, दी चीनी चिपकी हुई है। हाँ किरण ने किया था सबसे पहला ये कमेंट मेरी वीडियो पर, हाँ चीनी चिपकी हुई है, तो किरण ने किया सबसे सही कमेंट। और दूसरा जो कमेंट था वो था उत्तराखंड ब्लॉगर ऋतुराज जी का, और एक एनवी जॉम का जो इन्होंने सुगर लिखा था। हाँ तो ये तीन कमेंट मेरी एनवी इंडियन फैशन जॉम का, उन्होंने सुगर लिखा था खाली, तो सबसे पहला किरण का, दूसरा ऋतुराज जी का, और ये इन्होंने लिखा है सुगर, तो इनका भी सुगर ही था, सही कमेंट है। तो ये तीन कमेंट मेरी वीडियो पर बिल्कुल सही आए थे, और सबके गलत है, किसी ने मिश्री किसी ने साबूदाने के पापड़ बोला। और सच में ये सारे कमेंट पढ़ के मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, मैं बार बार देख रही थी कमेंट जब आ रहे थे कि देखो किसका कमेंट सही आया किसका कमेंट सही आया है, लेकिन तीन कमेंट बिल्कुल सही आए, और सबसे पहला किरण ने ही किया था जो बिल्कुल सही था, और मुझे बहुत अच्छा लगा। भले ही मेरी वीडियो पर कम व्यूज़ हैं कुछ भी हैं, लेकिन अच्छा बहुत लगा मुझे कि आप लोगों ने कमेंट किया, मेरी वीडियो देखी पसंद की, तो बहुत अच्छा लगा मुझे कि आप लोगों ने सपोर्ट किया, वीडियो देखी और अच्छे अच्छे किए कमेंट। तो प्लीज़ आप लोगों से यही कहूँगी कि प्लीज़ सपोर्ट करना, वीडियो देखना, क्योंकि आप लोगों को सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे आपने अच्छे अच्छे कमेंट इस वीडियो में किए, सब वीडियो में ऐसे ही कमेंट देखना और अच्छे अच्छे कमेंट करना, तो बहुत अच्छा लगता है आप लोग कमेंट करते हो। तो चलिए आप लोगों को कैसे लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।